हेलो, वेलकम टू प्रगति वर्ल्ड। मैं हूँ प्रगति, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। यदि फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पर हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकन मेरे को प्रेस कीजिए और जैसा लाइक कीजिए। और बहुत बार अपने हमारे चैनल तो प्लीज़ हमारे चैनल के सब्सक्राइब करवें, लाइक करवें, बेशी करें शेयर करवें। और आज मैं आपके साथ एक ऐसी कोल्ड क्रीम रिव्यू लेके आई हूँ जो काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट थी, और क्योंकि उस ब्रांड की जो प्रोडक्ट है मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, तो उस ब्रांड की ही मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि कोल्ड क्रीम बताइए। तो मैं कोल्ड क्रीम तभी रिव्यू दे सकती हूँ जब तक मैं अपनी स्किन में अप्लाई ना करूँ, उसका रिजल्ट क्या है मैं नहीं बता सकती। तो इसलिए मैंने उसे परचेस की और मैंने उसे यूज़ किया। अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट है आज मैं हॉनेस्टली वही रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि अभी विंटर जाने वाली है और समर आने वाली है, जिनकी ड्राई स्किन इस समय बहुत ज़्यादा रुखी बेजान लगने लगती है। तो आज ऐसे ही मैं क्रीम आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और वो क्रीम है VLCC की नेचुरल साइंस कोल्ड क्रीम्स, जो है 145 रुपीज़ की और मैंने इसे परचेस की 100 रुपीज़ की। और इसमें क्लेम किया गया है ये वेरी ड्राई और ड्राई स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिट है, पर मेरी स्किन नॉर्मल है और मुझे ये यूज़ करने के बाद, अप्लाई करने के बाद क्या मुझे बेनिफिट मिली और क्या मेरी साइड इफ़ेक्ट हुई है, मैं आज आपके साथ ऑनेस्टली वही रिव्यू दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे फ्रेंड्स जो भी हैं, आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर हो, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दो। तो जो भी चीज़ मैं यूज़ करती हूँ उसके बाद ही मैं रिव्यू देती हूँ। तो मैंने ये काफ़ी यूज़ की हुई है, मैं दिखा रही हूँ, मैंने थोड़े दिन पहले ही परचेस की है तो मैं दिखा रही हूँ। और ये क्यूट सी बोतल्स है और मुझे ये बहुत अच्छी लगी, मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ। पर मैं ये यूज़ करने से पहले आपको सबसे पहले ये बताऊँगी इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है। और इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है, इसमें लिक्विड एक्सट्रैक्ट है, ऑलिव ऑयल है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, ग्लोइंग रखता है। और इसमें विटामिन ई है, जो विटामिन ई आपकी स्किन में जितने भी स्पॉट हैं उनको रिड्यूस करता है, आपको रिंकल फ्री करता है, आपके स्किन को स्पॉटलेस बनाता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। और इसमें है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन बहुत अच्छा मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट बनाता है। ग्लिसरीन हमेशा मॉइस्चराइज सॉफ्ट और आपकी स्किन को प्लम्प बना के रखता है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स जो है बहुत ही बेनिफिट है, पर मैंने इसे जब यूज़ किया तब क्या रिजल्ट आया मैं वो बताती हूँ। क्योंकि यदि आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आपके लिए बेनिफिट है, पर आपकी स्किन यदि सेंसिटिव और आपकी स्किन नॉर्मल और ऑयली स्किन है तो आप इसे फेस में अप्लाई ना करें, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं है, नॉर्मल है। तो हाँ, विंटर में कभी कभी ड्राई फील होती है तो मैं लगाती हूँ, पर ये बहुत थिक है इसलिए मैं इसे फेस में अप्लाई मैंने नहीं किया। मैंने थोड़ी सी अप्लाई की तो मुझे लगा बहुत ज़्यादा ये ऑयली करती है तो मैंने इसे नहीं लगाया फेस में। ये दिन की ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन और सेंसिटिव स्किन है वो अपने अपने बॉडी में लगा सकते हैं, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिट है। और इसके जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और मैं इसे अपने बॉडी में अप्लाई करती हूँ, तो मैं इसे बॉडी में अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। ये आपके स्किन में, बॉडी स्किन में बहुत अच्छी मॉइस्चराइज प्रोवाइड करेगी, और मैं दिखा रही हूँ आपको ये यूज़ करके, बहुत ही अच्छी है, सॉफ्ट और ग्लोइंग लगती है। पर मैं इसे जिनकी नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है, उनके लिए मैं ये फेस में लगाने के लिए नहीं रिकमेंड करूँगी। ये आप बॉडी में लगा सकते हो, क्योंकि यदि आप इसे फेस में लगाओगे तो बहुत थिक है तो आपको ये चिपचिपाहट महसूस होगी, और जिनको हो सकता है ऑयली स्किन को पिम्पल्स आने की चांसेस रहेगी, तो मैं नहीं करूँगी रिकमेंड। तो मैं रिकमेंड करूँगी जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है। और इसकी सेल्फ लाइफ है ना 3 इयर्स की है, जो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो ड्राई स्किन वाले को तो आपको पता है समर में भी प्रॉब्लम होती है, विंटर में भी प्रॉब्लम, तो उनके लिए ये काफ़ी बेस्ट है। और आज की ब्लॉग आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, और ढेर सारा लाइक कीजिए। और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय और नमस्ते।